एक दो बातें खास बता देता हूं, आप अनुलोम विलोम करो सब। देखो ये असली से किसी किसी को पैरालिसिस तक हो जाता है, आंखें चली जाती है, कानों की सुनने की शक्ति चली जाती है, किसी को हार्ट अटैक हो जाता है, किसी की किडनी फेल हो जाती है, किसी के लीवर के ऊपर अटैक पड़ता है, तो क्या करें? तो ये जो मैंने अभी बताया था, अश्वगंधा, शतावर, सफेद मुसरी, स्पिरुलिना, गिलोय और शिलाजीत, ठीक है, च्यवनप्राश, ये तो ठीक है। ऐसे में उसको एकांगवीर रस, रसराज रस, योगेंद्र रस, मोती पिष्टी और गिलोय, ये मिला करके, और हम सुबह शाम एक पुड़िया बना के देते हैं, यह आयुर्वेद का चमत्कार है। और वो आदमी जिसको पैरालिसिस हो रहा था, जिसकी आंखें खराब हो रही थी, जिसका नर्वस सिस्टम पूरा बैठ गया था, वो आदमी दोबारा से चलने लगता है। जिनका लीवर बैठ जाता है उनको सर्वकल्पक्वाथ, और ये द्रोण पुष्प, यहाँ पर देखो एक पुष्प है यहाँ पर और लगा हुआ है, उसके ऊपर गुमा बोलते हैं इसको, ये द्रोण पुष्पी और सर्वकल्पक्वाथ पिला देते हैं। जिनको किडनी का उनको कासनी का और वृक्कदोचर क्वाथ पिला देते, गोखरू का काढ़ा पिला देते, ये गोखरू है। ये कोई जीव जंतुओं को नहीं होती ये बीमारियां। अब देखो ये घोड़ा जो है ना फटाफट दौड़ता है, इसको कोई बीमारी नहीं होती। कोई घोड़े को ऐसे लिया मैं सोटो में डिजीज नहीं भी, ना शुगर होता है, ना हाइपरटेंशन होता है, और आदमी को सारी बीमारियां, घोड़ा घास खाता है। अब इस घास में बहुत सारी औषधियां भी होती होंगी जो खा जाते होंगे साथ। अपना घोड़ा दौड़ा लेकर के खड़ा हुआ है, इसके ऊपर चढ़ करके इससे दौड़ लगवा। आजकल मैं घुड़सवारी भी सीख रहा हूँ जी, हमने देखा स्वामी जी। अच्छा स्वामी जी, अमरचंद कुमावत का एक सवाल है। उनके पिताजी को 2 से 2.5 साल हो गए हैं, वो पाइलो पॉलीमाइसोसाइटिस, नाम भी ऐसे ऐसे स्वामी जी लेने में परेशानी हो रही है, पॉलीमाइसोसाइटिस है, उनकी जो मसल्स है वो श्रिंक हो रही है, सिकुड़ रही है, और इसकी वजह से वो स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, तो वो इन सारी चीजों से बचना चाहते हैं और इस बीमारी का इलाज चाहते हैं आपके माध्यम से। देखो ये स्टेरॉइड तो बड़ा खतरनाक है, लेकिन हल्दी में, शिलाजीत में और गुग्गल में, इन सारी लहसुन में, इनमें नेचुरल स्टेरॉइड होता है। एसएलई और एमएस ऑटोमेन डिजीज हो जाती है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस जैसी बीमारी हो जाती है। ये जितनी भी ऑटोमेन डिजीज के अलग अलग शाखाएं, इसकी ब्रांचेज है अलग अलग, इसके अलग अलग भेद प्रभेद हैं, उनमें सब में एक तो अनुलोम विलोम प्राणायाम 1-1 घंटा करें, पहले दिन से स्टेरॉइड बंद कर दें, दूध में हल्दी और शिलाजीत ने स्टेरॉइड के स्थान पर सुबह उठ करके लहसुन खाएं, लहसुन गर्म पड़ता हो तो उसको थोड़ा सा सेंधा नमक और घी डाल करके और थोड़ा त्रिकुटा डाल करके पहले ग्रास के साथ खा लें, तो उनको स्टेरॉइड की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यह अश्वगंधा, शतावर, सफेद मुसली, ये जीवनी औषधियां है और अष्टवर्ग में पहले बता चुका, इसका सेवन करेंगे, अनुलोम विलोम करेंगे और थोड़े दिन एक बार पंचकर्मा षटकर्मा के लिए, चाहे योगाग्राम निरामय में आ जाएं, जो कहीं उनके आस पड़ोस में जहां पर ये सुविधाएं उपलब्ध हों पंचकर्मा षटकर्मा की, ये जरूर कर लें, तो पूरा शरीर शुद्ध हो जाता है और हम इस डी जनरेशन से बाहर निकलने, तो मसल्स पूरे ऐसे ऐसे पूरे हाथ ऐसे पूरे बैठ जाते। ये तो एक बताया था मेरे, देखो ये इधर इधर आ बेटा, इधर आ करके बैठो जो, हाँ इसके हालात क्या है। अब ये 27 साल की बेटी है, इसको इधर बैठो बेटा, पैर नीचे करके बैठ जाओ, चलने में भी शायद परेशानी हो रही है इनको, पैर देखो, पैर उठाने बेटा, ये पैर देखो टेढ़े हो रहे हैं और हाथ इसके ऐसे हो रहे हैं। अब ये तो इसको अर्थराइटिस हो गया और ये भी ऑटोमेन डिजीज का ही, शरीर का ही अंदर का तंत्र इसके खिलाफ काम कर रहा था, फिर ये मसल्स और सूख जाते हैं, फिर DMD और पता नहीं क्या क्या अलग अलग नाम दे देते। देखो वो हाथ, अब ये हाथ उठाना बेटा, अब ये हाथ देखो, इसके इससे ज्यादा हाथ नहीं उठ सकते। और मैं दोबारा इसी बेटे को दिखाऊंगा इंडिया TV पर, 1 महीने में इसके हाथ भी उठेंगे और इसके हाथ पर सीधे भी होंगे। बिल्कुल, भगवान करे स्वामी जी कि आपकी योग शक्ति और आयुर्वेद की शक्ति काम करे। बुलंद शहर से है लेकिन बुलंद बेटी बैठ गई बीमारी से, अनुलोम विलोम, लेकिन आप इसे बुलंद कर देंगे। अच्छा, बहुत सारे लोगों की दुआएं भी स्वामी जी आपके साथ रहती हैं। स्वामी जी, हुसैन आप बोलिए। ऑटो इम्यून डिजीज हमारे शरीर में हो ही नहीं, और हमारा जो इम्यून सिस्टम है, हमारी इम्यूनिटी है,
वो हमारी दुश्मन ना बने, इसके लिए आपने बहुत सारी औषधियां बताई हैं, योगाभ्यास भी बता दिए, लेकिन कुछ घरेलू नुस्खा यानी काढ़ा जो आप बताते हैं, तो अब काढ़े का वक्त आ गया, कोई काढ़ा बताइए जिससे हम ऑटो इम्यून डिजीज के शिकार ही ना बने। सबसे पहले तो ये देखो अनुलोम विलोम जो करवा रहे हैं ना जी, ब्राह्म रुद्र गीत तो करना ही करना, वो तो मीनाक्षी जी कर रहे हैं, ये आधा आधा घंटा करें जिनको हो चुका है वो, और बचना है वो 15-15 मिनट रोज हमारे साथ सुबह इंडिया टीवी पर करें। हम अलग अलग बीमारियों को संदर्भ में रख करके अलग अलग उपचार यहाँ पर बताते हैं, लेकिन जिनको इस बीमारी से बचना है वो रोज कम से कम 15 मिनट कपालभाति, 15 मिनट ही अनुलोम विलोम ये रोज करे। एक ग्लास दूध दही या छाछ जरूर लें, मल्टीग्रेन आटा लें, मल्टीग्रेन दलिया लें, अलग अलग प्रकार के तेल, एक जैसे तेल लें कभी सरसों का, सबसे अच्छा नेचुरल ऑयल होता है सरसों का, फिर कोकोनट का, फिर ग्राउंड नट का, फिर उसके बाद फिजिकल रिफाइंड राइस ब्रांड सबसे अच्छा होता है, उसके बाद बाकी सब तेल शुरू होते हैं। नेचुरल ऑयल लें, बदल बदल के तेल लें, अलग अलग दालें खाएं, अलग अलग शाक सब्जियां, तो ये बैलेंस फूड, बैलेंस लाइफस्टाइल। और सबसे अच्छा जो काढ़े की बात है, तो काढ़े वाला कार्यक्रम जो है आज जो है थोड़ा दूर चला गया है, तो काढ़ा लगाते हैं इधर, उसका चूल्हा जमाते हैं अभी और सबसे अच्छा काढ़ा होता है जो हमने कोरोना के लिए बताया था ना, गिलोय वाला काढ़ा। तो ये जो गिलोय होती है ये तो कई बीमारियों की एक साथ ये समाधान है। इमाम दस्ता भी लेके आओ, मैंने लोगों को बोल रखा है इमाम दस्ता घर में रखो,